हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी 2022 का जो प्रश्न पत्र है उसे कॉन्टिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके जो आगे के प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम 24वां जो आपका प्रश्न है इसे डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये आपका प्रश्न क्या कह रहा है, तो कॉन्सेप्ट हमने जाना था, इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपका जो प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए कार्य फलन तथा देहली आवृत्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन एंड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी यहाँ पे ये बोला गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, और यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है कि वर्क फंक्शन या थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसको समझने के लिए हम जो है इस डायग्राम में गए थे और हमने क्या कहा था कि जब भी हम जो फोटोन है यानी प्रकाश की जो आपकी किरणें हैं उनको जब हम किसी ऐसी फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे आपकी जो मेटल स्ट्रिप है उस पर डालते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। यानी आपको इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए कि जिससे आपके जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है, इस प्रक्रिया को या इस फिनोमिना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे जो आपके फोटॉन्स हैं, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स आपके जो धातु है या जो आपकी मेटल की स्ट्रिप है उससे टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो उत्सर्जित होते हैं। अब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या वो कम से कम आवृत्ति जिससे आप प्रकाश की किरणों को जो है मेटल स्ट्रिप में डालेंगे और आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित हो जाएंगे, उसी को हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी देहली आवृत्ति कहते हैं। तो देहली आवृत्ति क्या होता है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है यानी वो सबसे कम या कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जिससे हम प्रकाश की किरणों को मेटल स्ट्रिप पर या धातु की स्ट्रिप पर डालते हैं और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, उसी को हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम वर्क फंक्शन यानी कार्य फलन की बात करें तो कार्य फलन क्या होता है, वह एनर्जी, वह मिनिमम एनर्जी जो कि आपके इन फोटॉन्स में या जो ये किरणें हैं इनमें है, जिनके कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन यानी कार्य फलन कहते हैं। ठीक है, तो कार्य फलन क्या होता है, कार्य फलन या जो वर्क फंक्शन होता है ये जो है ये मिनिमम एनर्जी है जिससे आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिससे क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी की किरणें आप डालते हैं मेटल स्ट्रिप में और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, वह न्यूनतम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति आपकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में भी समझा था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, जो यहाँ पे आपका डायग्राम है, ठीक है, इसे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आप जो है इंग्लिश या हिंदी में आप अपना जो है आंसर लिखेंगे। तो आप आंसर जो है कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रेफर्स टू द एमिशन और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट लाइट। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, ये जो है ये इसमें क्या होता है, जो आपके मेटल की स्ट्रिप है या जो धातु की सतह है उस पर प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। दिस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन ऑफ लाइट
हैव एनर्जी मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सर्फेस। अब ये कब होता है? ये तब होता है जब किसी मेटल सर्फेस की जो वर्क फंक्शन है या उसका जो वर्क पोटेंशियल है उससे ज्यादा उसमें एनर्जी डाली जाती है। तो क्या होता है? इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव एनर्जी। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होंगे, वो उत्सर्जित होंगे, और उनकी एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव यानी धनात्मक। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति वहां कम से कम आवृत्ति है जिससे क्या होता है, जो फोटोन है, ठीक है, वह कम से कम फोटोन की आवृत्ति है जिससे क्या होता है, आपकी जो मेटल सरफेस है, धातु की जो सतह है, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो। ऑल्सो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फोटोन टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल। और अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या है, वहां कम से कम या न्यूनतम एनर्जी है जो जिसके कारण क्या होगा, आपके जो मेटल की सरफेस है, धातु की जो सतह है, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। यानी कोई धातु है, धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो ये जो क्रिया है, ये जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। सभी क्षारीय धातु एवं जिंक प्रकाश के साथ साथ विद्युत प्रभाव दिखाती है। तो क्या कहा गया कि जितनी भी आपकी क्षारीय धातु होती है, ठीक है, और जो जिंक होती है, ये क्या करते हैं, ये प्रकाश के साथ विद्युत प्रभाव को शो करते हैं, प्रदर्शित करते। सभी धातुएं एक्स किरणें एवं गामा किरणों के साथ भी प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाती है। इसी तरीके से अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुओं की जो एक्स किरणें और गामा किरणें हैं, ये इनके साथ भी ये क्या दिखाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरे शब्दों में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव वह घटना है जिसमें विद्युत विद्युत आवेशित कण विद्युत चुंबकीय किरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अवशोषित करने पर किसी पदार्थ, धातु, अधातु, ठोस, द्रव एवं गैस से या उसके भीतर निकलती। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इसमें क्या होता है कि जो विद्युत आवेशित कण है, ठीक है, जो आवेश विद्युत आवेश को जो कण अवशोषित कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो निकलते। इस प्रभाव में अक्सर किसी मेटल प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होता है। इसमें क्या होता है, जब भी किसी मेटल की जो प्लेट है उस पर प्रकाश की किरणें डाली जाती है, एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की प्रकाश की किरणें डाली जाती है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का एमिशन। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, अब हम इसके प्रभाव के जो नियम है उनके बारे में जान लेते हैं। जब प्रकाश की विशेष रंग की कोई किरण धातु की सतह पर पड़ती है तब प्रति सेकंड धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी क्या होता है, आप ये जानते हैं कि प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश अलग अलग प्रकार के रंगों से बना है, बेसिकली ये 7 रंगों से बना होता है। अब अगर हम किसी विशेष रंग की जो किरणें हैं उसको अगर हम जो है धातु की सतह पर डालते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन की जो संख्या होती है, ठीक है, वो प्रकाश की जो तीव्रता है, यानी जो आपकी प्रकाश की इंटेंसिटी है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके ऊपर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की जो तीव्रता है उसके ऊपर निर्भर करती। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान शून्य से महत्व के बीच बदलता रहता है। और इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, उसका जो मान होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, वो 0 से जो है बदलती रहती। इलेक्ट्रॉन की इस गतिज ऊर्जा का मान प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी है,
इसकी जो वैल्यू होती है वो प्रकाश की आवृत्ति, यानी जो प्रकाश आपने डाला है, जिस आवृत्ति का आपने प्रकाश डाला है, जिस फ्रीक्वेंसी का आपने प्रकाश डाला है, उसकी गतिज ऊर्जा जो है उसकी गतिज ऊर्जा के ऊपर निर्भर। यानी आपने प्रकाश की किरणें डाली, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की डाली, अब उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों से वो टकराता है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, वो इस प्रकाश की आवृत्ति के ऊपर निर्भर है, प्रकाश की तीव्रता पर नहीं। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता पर नहीं, यानी प्रकाश की इंटेंसिटी है उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी निर्भर नहीं करेगी, इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। किस पे करेगी? वो करेगी आपकी, किस पे करेगी? प्रकाश की आवृत्ति या इंटेंसिटी के ऊपर ये निर्भर करेगी। धातु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की आवृत्ति का मान एक निश्चित मान से कम हो। अब अगर हम बात करें कि जो धातु की सतह पर प्रकाश पड़ती है, उसकी जो आवृत्ति या उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक निश्चित मान, यानी एक जो फ्रीक्वेंसी है, वैल्यू जो है उससे कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन धातु की सतह से नहीं हो पाता। तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं। जैसे हमने बात की थी कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉनों के इजेक्शन के लिए, उसके उत्सर्जन के, तो अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली अगर हम प्रकाश की किरणें उस धातु पर डालेंगे, तो ये देखा गया है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आवृत्ति के इस न्यूनतम निश्चित मान को दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका न्यूनतम मान है, ठीक है, सबसे कम मान है, ठीक है, सबसे कम मान है आवृत्ति का, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। यानी क्या हुआ, आपने एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे आपने किरणें डाली तो आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, पर आप एक फ्रीक्वेंसी डालेंगे जिससे आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, वही आपकी दहली आवृत्ति, यानी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है किसी भी प्रकाश की किरणों की। ठीक है, प्रकाश की किरणों की, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसी को हम दहली आवृत्ति कहते हैं। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग मान होता है। क्षारीय धातु के लिए इस आवृत्ति का मान वर्णक्रम के दृश्य क्षेत्र में होता है, यानी जो आपकी क्षारीय धातु होती है उनका, उनके लिए जो होता है ये वर्णक्रम के, जो आपका वर्णक्रम है उसके जो दृश्य क्षेत्र है इसके बीच में, यानी जो आपकी प्योर वाली बेल्ट है उसकी आवृत्ति में ही क्षारीय धातुओं से क्या होगा, आपकी उतनी ही फ्रीक्वेंसी वाली रेस से ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपतित फोटोन की ऊर्जा का मान धातु के कार्य फलन यानी वर्क फंक्शन और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के मान के योग्य होता है। यानी आइंस्टाइन ने क्या कहा प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, ये कहा कि जो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है इसके लिए जो आपतित फोटोन की ऊर्जा, यानी जो फोटोन आपके जो है आपकी मेटल की स्ट्रिप पे पड़ रहे हैं या धातु की स्ट्रिप पे पड़ रहे हैं, उसका मान जो है धातु के कार्य फलन यानी जो धातु का वर्क फंक्शन है और उससे उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा के मान के योग होता है। यानी अगर आप बात करें जो है जो आपके अपतित फोटोन की ऊर्जा है, यानी उसकी जो वर्क फंक्शन है बेसिकली वो किसके बराबर होता है, आपका जो धातु का वर्क फंक्शन है, ठीक है, जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन है, जो धातु का वर्क फंक्शन है और जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी जो गतिज ऊर्जा है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें हमने काफी डिटेल में इस आंसर को डिस्कस कर लिया है, अब आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, सीजियम धातु का कार्य फलन 2.14 EV है, यानी जो आपका सीजियम है उसका जो वर्क फंक्शन है वो 2.14 EV है। यदि 6×10^14 Hz आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, यानी क्या कहा गया है कि जो आपका प्रकाश है, प्रकाश की आवृत्ति है 6×10^14 Hz, उसको अगर हम किसी प्रकाश जो है धातु के ऊपर डालते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन।
वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 ईवी। ठीक है, सीजियम का जो वर्क फंक्शन है, कार्य फलन है, वो 2.14 ईवी है। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6×10⁴ हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, अगर हम किसी प्रकाश की किरण जिसकी फ्रीक्वेंसी 6×10⁴ हर्ट्ज है उसे धातु की सतह पर डालते हैं, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये बताना है कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी। तो यहाँ पे आपके पास कार्य फलन दिया गया है, प्रकाश की आवृत्ति दी गई है, ठीक है, आपको क्या बताना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे वर्क फंक्शन, ठीक है, आप लिखेंगे सीजियम धातु का वर्क फंक्शन सीजियम धातु का कार्य फलन यानी वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल। कितना है, 2.14 ईवी। इसके बाद है प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति कितनी है, इसे आप न्यू न्यू से डिनोट करते हैं, इसे कितनी है, 6×10⁴ हर्ट्ज। तो आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कितना है, 6×10⁴ हर्ट्ज। तो यहाँ पे आपके पास फाई की वैल्यू दी है और न्यू की आपको वैल्यू दी है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। पहले आप इसे नोट करेंगे, हमें क्या करना है, हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो हमें क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी बराबर एनर्जी यानी एच न्यू माइनस फाइव नॉट। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 6.626×10⁴ -34 इंटू न्यू की वैल्यू कितनी है, 6×10⁴ हर्ट्स माइनस ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 2.14। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप। अब यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी आपके बराबर नहीं होंगे, आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.6×10⁻¹⁹ से आप इसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ईवी में आ जाएगी ये वैल्यू, आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है, इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2.485 माइनस 2.14 ईवी से आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जाएगा 0.345 ईवी। ये आपके आगे काइनेटिक एनर्जी, तो आप लिखेंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा 0.345 ईवी है। ये तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, आप इसे नोट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक बायस तथा पश्चदिशिक बायस का क्या अर्थ है, आवश्यक परिपथ आरेख भी बनाएं। यानी
What is the meaning of forward bias and reverse bias for a PN junction diode? Draw necessary circuit diagram. यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको क्या करना है, पीएन जंक्शन जो डायोड है उसके लिए फॉरवर्ड और रिवर्स बायस जो है बताना है कि क्या होता है, साथ ही साथ इसके लिए आपको एक सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ। तो आप इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से डायोड बनाना है या जो पीएन जंक्शन है वो बनाना है। अब आपके पास दो कंडीशन है, पहली है फॉरवर्ड बायस, दूसरी है रिवर्स बायस। ये आपकी फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है यानी अग्रदिशिक, बायस या जिसे आप कहते हैं फॉरवर्ड बायस, ठीक है, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। दूसरा है आपका रिवर्स बायस, ठीक है, रिवर्स बायस यानी पश्च दिशिक, बायस या रिवर्स बायस, ठीक है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। सबसे पहले हम अग्रदिशिक बायस यानी फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं। यहाँ पे जो आपका पीएन जंक्शन होता है, इसका जो पी जंक्शन होता है, पी को हम जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और नेगेटिव को आप या एन जो टर्मिनल एन जो पार्ट है उसे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं कुछ इस तरीके। यानी आपको सीधे सीधे ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है तो पी जो जंक्शन है या जो पी हिस्सा है इसमें क्या है, जिसमें आपके होल्स के नंबर ज्यादा है, जिसमें होल की क्वांटिटी ज्यादा है, या जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है जिसमें होलों की संख्या ज्यादा है उसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते। वही अगर हम एन पार्ट की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिसमें अधिक होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसको हम किससे जोड़ते हैं, बैटरी के नेगेटिव पार्ट। तो जो आपका पीएन जंक्शन होता है इसमें बैटरी का जो पॉजिटिव हिस्सा है उसे हम पी से जोड़ते हैं, वही जो इसका नेगेटिव हिस्सा है उसे हम एन से जोड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने बात करी कि जो P वाला हिस्सा होता है या जो P का जो आपका हिस्सा होता है P टाइप सेमीकंडक्टर होता है, यहाँ पे होल्स की संख्या ज्यादा है यानी यहाँ पे पॉजिटिव जो आपके चार्ज है उनकी संख्या ज्यादा। अब जब आप इसे जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये जो है पॉजिटिव जो है इससे रिपेल होते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होते हैं, तो इसलिए ये क्या करते हैं इधर की ओर मूव करते हैं, ठीक है, बीच के हिस्से में या जंक्शन की तरफ ये गति करते हैं। इसी तरीके से अगर हम एन हिस्से की बात करें तो एन टर्मिनल जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये एन टर्मिनल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, अब ये एन है तो ये इससे रिपेल करेगा तो ये भी इधर जाएगा बीच में जो जंक्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपके P और N है यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन है ये आपस में मर्ज हो जाएंगे और जो आपके डिप्लीशन लेयर बनेगी, ठीक है, जो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनेगी वो बहुत ही पतली बनेगी और साथ ही साथ यहाँ से जो है करंट आसानी से फ्लो कर। बेसिकली फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जो बी वाला हिस्सा है यानी जिसमें होल की अधिकता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और जो वह हिस्सा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। दो यहाँ पे पॉजिटिव से यहाँ पे जो है रिपल्शन होता है, नेगेटिव का यहाँ रिपल्शन होता है, फिर क्या होता है जो आपके चार्ज है वो बीच में मूव करते हैं, आपस में क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन और होल मर्ज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो है डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है और आपकी करंट आसानी से फ्लो कर। अब हम बात करते हैं रिवर्स बायस की यानी पश्च दिशिक बायस की। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इसका पी जंक्शन है या जो पी हिस्सा है वो आपका नेगेटिव से जो है नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है पी हिस्से को और एन हिस्से को क्या करते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। अब क्या होता है पी वाला जो हिस्सा है या जिसमें होलो की अधिकता है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित होंगे, ठीक है, ये इसकी ओर आकर्षित होंगे। वही अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की तो इलेक्ट्रॉन जो है या
वहां हिस्सा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, तो वहां के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित होंगे और ये क्या करेंगे, इधर मूव करेंगे, तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब सारे आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर इधर इकट्ठे हो जाएंगे, जो आपके पॉजिटिव है वो इधर हो जाएंगे, तो क्या होगा, बीच में जो ये डिप्लीशन लेयर है ये बढ़ जाए। तो रिवर्स बायस के केस में जो डिप्लीशन लेयर है वो कैसी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है या बढ़ जाती है। वही फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर आपकी पतली हो जाती है, और इस केस में जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, यानी यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर पाता। तो रिवर्स बायस की कंडीशन में आपका करंट फ्लो नहीं कर पाता है, और फॉरवर्ड बायस में आपका करंट फ्लो कर देता है। फॉरवर्ड बायस में आपकी डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है, रिवर्स बायस में आपकी डिप्लीशन लेयर मोटी हो जाती है। ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। तो आप इसे तो बच्चों आज हमने जो आपका ये चैप्टर, जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसके हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आए होंगे। अगर मैं 27th क्वेश्चन की बात करूं तो ये मैंने आपको समझा दिया है, आपको इसे होमवर्क से लिख के आना है, यानी आपको इसकी पूरी थ्योरी होमवर्क से लिख के आनी है। आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे के क्वेश्चन है उन्हें कंटिन्यू करेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।